मैं मारवाड़ी मंच के सभी आदरणीय सदस्यगण, उनके पदाधिकारीगण, विशेषकर श्री दिनेश जी चांडक, श्री बलराम जी सुल्तानिया, भाई कपिल जी और जितने पदाधिकारीगण पधारे हैं जिनको मैं देख भी सकता हूं इस पर मेरे कंप्यूटर मॉनिटर पर, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात को सुनकर के भी प्रसन्नता हुई कि जब से ये महामारी का संकट हमारे देश के सामने उपस्थित हुआ है, मारवाड़ी समाज एकजुट होकर के सेवा के कार्य में संलग्न है और समाज के रूप में एकजुट होकर और मारवाड़ी मंच के अनेक सदस्यगण वैयक्तिक स्तर पर भी जो जहां सेवा का काम कर सकता है वो कर रहा है। और ये कहते हुए मुझे थोड़ी प्रसन्नता की अनुभूति इसलिए होती है कि मैं भी एक मारवाड़ी हूं मूल रूप से। एक किसी ने कहा है, देखिए हम लोग सब अंततो गत्वा एक इंसान हैं, और किसी ने कहा है कि ना हम किसी के काम आए ना कोई अपने काम आया, कि तजुब है कि फिर भी जो मेरे इंसान में नाम अपना आया। जरूरत के वक्त ना हम किसी के काम आए ना कोई हमारे काम आया, और फिर भी इंसान के रूप में हमारा नाम दर्ज होता है, इस पर ताज्जुब होता है। तो इंसान इंसान के काम आए, यही इंसानियत की पहचान है, इंसानियत की परिभाषा है। मारवाड़ी मंच के बारे में एक दो बात कहना चाहूंगा अपनी बात विषय पर आने के पूर्व। कुछ बात ऐसी जो मुझे कहे बिना रही नहीं जाती। मारवाड़ी की एक विशेषता है जो मारवाड़ी को पूरे देश से, पूरे देश में रहते हुए भी एक उसकी अलग पहचान बनाता है। मैं एक अपने इस वक्तव्य में कुछ स्थानों पर हिंदू शब्द का प्रयोग करूंगा, पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म से मेरा अर्थ वो नहीं है जो तथा कथित हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हिंदू से मेरा आशय यह है, हिंदू वो जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदू वो जो हिंदुस्तान को अपना समझता है, और हिंदू वो जो हिंदुस्तान के लिए अपना तन मन धन अर्पित करने के लिए तत्पर रहता है, वो हिंदू है। तो हिंदू की इस विशद परिभाषा में मैं अपने वक्तव्य में हिंदू शब्द का कहीं कहीं प्रयोग करूंगा। हिंदुओं में मारवाड़ी की पहचान अलग क्यों है? हिंदुओं में सबसे ज्यादा गतिशील यदि कोई समाज है, कोई व्यक्ति है, तो मारवाड़ी है। हिंदुस्तान में तो मारवाड़ी फैले हुए हैं, मारवाड़ी एक छोटी जगह है, सारे हिंदुस्तान में मारवाड़ी आपको मिल जाएंगे, और देश में नहीं विदेश में मिल जाएंगे। पर मारवाड़ी की विशेष बात यह है, देखिए और भी लोग हैं जो विदेश में गए, सारे विश्व में फैले हुए हैं, पर मारवाड़ी की एक विशेष बात यह है कि मारवाड़ी जहां गया है वो पांच चीजें अपने साथ लेकर गया है। वो पांच चीजें क्या हैं? भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भाव। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, मारवाड़ी मारवाड़ छोड़कर के जहां गया है अपनी भाषा, वेशभूषा, खान पान, ईश्वर भक्ति और मारवाड़ी होने की चारित्रिक गुण, भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भाव, ये लेकर के जाता है। और इसीलिए मारवाड़ी जहां होता है स्थानीय समाज पहचान लेता है कि व्यक्ति मारवाड़ी है। ऐसा नहीं है कि मारवाड़ी कहने से यदि कोई पहचानता है तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। क्यों होती है? मारवाड़ी परिश्रम पूर्वक धन का अर्जन करता है। मुझे आज तक कोई मारवाड़ी ऐसा नहीं मिला जिसने भीख मांगी हो। कम से कम में गुजारा कर लेगा पर भीख नहीं मांगेगा, एक। दूसरी बात, एकादा कोई अपवाद हो जो मेरे ज्ञान में ना हो उसकी तो मैं नहीं कहूंगा,
पर कोई मारवाड़ी अपराध नहीं करता। तो मारवाड़ी वो है जो परिश्रम से अर्जन करके अपना और अपने परिवार का यापन जीवन यापन करता है, न भीख मांगता है न अपराध करता है, उद्यमी है, साहसी है और मातृभूमि से लगाव रखता है। हर मारवाड़ी साल में एक बार अपना मारवाड़ में उसका घर होता है, अपना घर कोठी या जो भी हो उसे अक्षुण्ण बनाकर रखता है और कम से कम साल में एक बार, जैसे कहते हैं कि किसी से पूछे वो सज्जन कहाँ गए, पूरे देश गए, साल में एक बार जिस भूमि ने उसको जन्म दिया है, जिस मिट्टी ने उसका पोषण किया है, उसकी याद करता है, वहाँ जाता है। और हमारे हरेक मारवाड़ी बंधु हैं कि जब अपने गांव जाते हैं तो गांव का भोज करते हैं, भोजन कराते हैं, उनको सबके साथ मिलकर के बैठते हैं और अपनी खुशहाली उनके साथ बांटते हैं। अब ये जो मारवाड़ी के गुण मैंने अपनी बात कही, ऐसा नहीं है कि मैं भी मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी मंच पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैं कोई मारवाड़ियों की तारीफ करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आज की जो चर्चा है उस चर्चा के संदर्भ में इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है। क्यों? इसलिए कि हम जिस सेवा की चर्चा करेंगे उस सेवा को करने में मारवाड़ी का चारित्रिक गुण उसका योगदान देते हैं, उसकी सामर्थ्य बनते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस सब की चर्चा मैंने इसलिए की कि इसको सुनकर के एक मारवाड़ी के रूप में हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है, हमें इस बात की प्रतीति होती है हम कुछ हैं, हम कुछ करने लायक हैं, कर सकते हैं और इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने मारवाड़ी समाज की चर्चा की और मारवाड़ी के व्यक्तित्व और चरित्र की चर्चा की। अब थोड़ा हमारे विषय पर, मुझे विषय दिया गया है देश और राष्ट्र की सेवा क्या की जा सकती है, कैसे की जा सकती है और विशेषकर मारवाड़ी मंच के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में मानवता एक गंभीर और डराने वाले दौर से गुजर रही है। आज जैसा अनिश्चय का वातावरण है, भविष्य की कोई परिकल्पना हम नहीं कर सकते, बड़े बड़े ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट, अंकशास्त्री, हस्तरेखा देखने वाले और तमाम धर्मगुरु विश्व भर के आज कोई भी दावे के साथ ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये महामारी कब तक चलेगी और उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए हमको आज जिस संकट की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमें दो बातों पर विचार करना है। एक तो वर्तमान समय में हम देश के लिए, समाज के लिए क्या करें, कर सकते हैं, और भविष्य में हम कुछ कर सकें इसके लिए हमारी तत्परता क्या है। ये दो दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो बहुधा विद्वान लोग दो बातें कहते हैं कि आपको चुनौती का मुकाबला करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, तभी आप प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। मैं आज के संदर्भ में एक और बात आपसे कहना चाहता हूं और आपको इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। आज की परिस्थिति हमें ये सबक सिखाती है कि केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना पर्याप्त नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। यदि हम तीनों ही तरह से सक्षम हैं तो ही हम आज की परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। कोई मेरे ऊपर प्रहार करे, यदि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, मैं बदला ले लूंगा, निपटा लूंगा। कोई मेरे बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर दे,
मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, उसका मुकाबला कर लूंगा। पर आज की जो परिस्थिति है, हमारा शरीर और मन, ये दो चीजें पर्याप्त नहीं है मुकाबला करने के लिए। हमको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सक्षम होना चाहिए, तभी हम इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझे कुछ अध्ययन में मेरी रुचि है और सत्संग में मेरी रुचि है। अनेक विद्वानों से चर्चा करने का मुझे अवसर मिलता है। अच्छा साहित्य पढ़ने में मेरी रुचि है, मैं पढ़ता हूं। और मैं इस बात के से 100% आश्वस्त हूं कि जीवन जीने की जो भारतीय जीवन पद्धति है, उससे अच्छी जीवन पद्धति विश्व भर में कहीं नहीं। हमारी जो हिंदू जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति है, इससे अच्छी जीवन पद्धति विश्व भर में कहीं नहीं है। दुर्भाग्य से जब हम विदेशी शासन में, जो हमारे समय गुजरा 500-700 वर्ष का, उस समय में हम वो भूल गए जो हमारा अपना है, हमारा अपना था। और दूसरा दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब हम विदेशी शासन में रहे तो दो प्रकार के शासन रहे हमारे ऊपर। एक वो जो हमारे ज्ञान के साधन, ज्ञान के स्रोत को यहां से ले गए, उन्होंने उसका लाभ उठाया। एक शासन वो रहा जिसने हमारे ज्ञान और आध्यात्मिक संपदा के स्रोतों को नष्ट कर दिया। बचे ही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी हस्तलिपियां थीं कि उसमें एक शासक ने आग लगा दी और एक महीने तक पुस्तकालय की आग बुझी नहीं, इतनी पांडुलिपियां थी, नष्ट कर दी। उसका कारण, उसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारा अपना है हम भूल गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना चिंतन, हमारे अपने ऋषि और महर्षि, उन्होंने जो परंपरा हमें सौंपी है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं पर आज के सीमित समय में पर्याप्त नहीं होगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा। आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं कि कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, हमें एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1 मीटर दूर हमें एक दूसरे से रहना चाहिए। अब देखिए, आप बिना नाम लिए मैं आपको दर्शाना चाहता हूं तुलना। मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूं, अपनी अपनी जीवन पद्धति है, पर इसमें से कौन हमें स्वीकार करना चाहिए वो बताना चाहता हूं आपको। एक धर्म विशेष कहता है कि सप्ताह के एक विशेष दिन हमें एक स्थान पर एकत्रित होना चाहिए। एक दूसरा धर्म है वो कहता है कि हमें सप्ताह के एक अन्य विशेष दिन एक स्थान पर एकत्रित होना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। हमारी जीवन पद्धति क्या है? अब देखिए, इस बात पर आप एक गंभीरता पूर्वक चिंतन कीजिए। ये वर्षों तक मैं सोचता रहा हूं और आज मारवाड़ी मंच से मैं आपके साथ अपने चिंतन को साझा कर रहा हूं। देखिए, आप लोगों को जिनमें इतिहास का अध्ययन करने में रुचि है, विविध प्रकार के धर्मों का अध्ययन करने में रुचि है, उनके लिए एक बात बताना चाहता हूं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनसे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जिनको ईश्वर की प्रति आस्था है, विश्वास है, वो इस पर विचार करें। संपूर्ण विश्व में कहीं तो ईश्वर अपने पुत्र को भेजता है, कहीं ईश्वर अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। पैगंबर जी नहीं कह सकते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने पुत्र को, किसी और को। केवल भारत भूमि है जहां ईश्वर स्वयं अवतार लेता है। आप सारे धर्मों का अध्ययन कर लीजिए और मुझे बताइए, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए, कोई भी धर्म ये कहता हो कि ईश्वर हमारे धर्म के अनुसार हमारे यहां स्वयं अवतार लेता है। और एक बार नहीं, ईश्वर ने 23 बार हमारी भारत भूमि पर अवतार लिया है और 24वीं बार भी अवतार लेगा। एक बात। दूसरी बात,
आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने हमारे यहाँ तीर्थों की स्थापना की। चार तीर्थ भारतवर्ष के चार कोनों में स्थापित किए, जिसे हम चार धाम कहते हैं। उनने व्यवस्था की कि धर्म के नाम पर जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करेगा वो संपूर्ण भारतवर्ष का दर्शन करेगा और संपूर्ण भारत की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाएगा। ये धर्म के माध्यम से व्यवस्था की। ये चार तीर्थ स्थान क्यों बनाए गए, इन चार तीर्थ स्थानों की क्या महत्ता है, वो एक विषय अलग है, उस पर आज चर्चा नहीं, आज केवल इतनी उल्लेख पर्याप्त है। तीसरी व्यवस्था, हमें भी कभी एकत्रित होना है, हम हर बार तीर्थ यात्रा को तो नहीं जा सकते, तो हर शहर में मंदिर है। आप भगवान राम का जन्म हो, रामनवमी को मंदिर जाइए, जन्माष्टमी पर फिर मंदिर जाइए, हनुमान जयंती पर फिर मंदिर जाइए। वर्ष भर में हमारे ईश्वर के अवतार के जन्मदिन हैं, उसमें आप मंदिर जाइए, पर हमारा धर्म इस बात की न केवल अनुमति देता है, आदेश देता है कि प्रत्येक घर में एक पूजा घर होना चाहिए। हम में से सबके घर में पूजा घर है, मैंने कपिल जी घर जाकर देखा है, सुंदर पूजा घर उन्होंने बनाया अपने घर में। हम लोग नए घर में प्रवेश लेते हैं, हवन करते हैं, शांति पाठ करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं उनकी, और उस पूजा घर की हम उसी प्रकार सम्मान करते हैं, पवित्रता की रक्षा करते हैं, जैसी कि मंदिर में होती है, जैसी कि तीर्थ स्थान में होती है। आशय क्या है, 5,000-10,000 पूर्व हमारे ऋषि और महर्षियों ने यह समझ लिया था कि कोई दिन ऐसा आ सकता है जबकि इकट्ठे होने की अनुमति नहीं होगी, तब आप ईश्वर की आराधना, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का चिंतन, अपने आराध्य का अपने घर में ही बैठकर कर सकते हैं और ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार अन्य धर्म के लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर कर सकते हैं। हम अपने घर में पूजा करें, पुण्य करें, ईश्वर का स्मरण करें, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 100% सोशल डिस्टेंसिंग, परंतु हमारी पूजा बिल्कुल चल रही है पहले की तरह। ये व्यवस्था हमारे धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म में नहीं है। इस प्रकार के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, किंतु मैं आज भारतवर्ष की इस भूमि को नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, जहां ईश्वर स्वयं अवतार लेता है, जहां चार धाम तीर्थ की व्यवस्था है, हर शहर में मंदिर की व्यवस्था है और हर घर में एक मंदिर है जहां ईश्वर की प्रतिदिन हम पूजा करते हैं। जिन लोगों के घरों में भगवान बाल रूप में होते हैं, लड्डू गोपाल की स्थापना होती है, अब देखिए सुबह उनको जगाया जाता है, बाल भोग होता है, दोपहर का भोजन होता है, रात्रि का भोजन होता है, शयन के पहले दुग्धपान होता है, और गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल को उड़ाकर सुलाया जाता है, उन्हें ठंडा लग जाए। जीवंत भगवान हमारे घर में रहते हैं, जीवंत। हमें कहा क्या आवश्यकता कहीं जाने की, तीर्थ स्थान न गए कोई चिंता नहीं, हमारे घर में भगवान विराजमान है जो हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं। ये केवल हमारे समाज और हमारा धर्म इस बात की अनुमति देता है। अब तीसरी बात बताइए, अब सेवा की बात यदि हम करें, तो मैंने कहा कि सेवा करना है तो सेवा करने का ढकोसला तो हमें करना नहीं है, सेवा करना है तो सेवा करने के लिए हमको सक्षम तो होना पड़ेगा। शरीर से सक्षम है शरीर से सेवा करें, मन से सक्षम है मन से करें, धन से सक्षम है धन से सक्षम करें, किंतु सक्षम बनने के लिए आधारभूत सिद्धांत क्या है। ये आधारभूत सिद्धांत हैं तीन। पहली बात, संस्कार का पोषण कीजिए, संस्कृति रक्षा कीजिए और सकारात्मकता का सृजन कीजिए। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, संस्कार का पोषण, संस्कृति का रक्षण और सकारात्मकता पॉजिटिविटी का सृजन, क्रिएशन ऑफ पॉजिटिविटी। ये तीन काम हम यदि कर सकते हैं तो हम इस देश की और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं एक एक लाइन में तीनों बात विषय में कहूंगा। देखिए, संस्कार किसे कहते हैं,
ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब बात जानते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये, ईश्वर की कृपा से आप संपन्न हैं, खूब संपन्न हो, जितनी संपन्नता आपके पास है उससे भी अधिक हो, परंतु एक बात याद रखिए, आप अपने वसीयतनामे में अपना मकान, अपनी जमीन, अपना बैंक बैलेंस, गहने, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ अपने उत्तराधिकारियों, अपने संतान, बेटे बेटियों को दे सकते हैं, पर एक चीज है जो आप वसीयत से नहीं दे सकते, वो है संस्कार। वो यदि आपने जीते जी दे दिए तो मिल गए, पर आप सोचें कि मेरा अंतिम समय आ गया, मृत्यु शैया पर लेटा हूं, तो अपने वसीयत नामे में लिख दूं मेरे बेटे बेटियों, मेरे संस्कारी में तो मैं देना चाहता हूं, वो लिखावट आपकी बेकार जाएगी। इसलिए जो संस्कार हैं अपने जीते जी अपनी संतान को दे दीजिए, अन्यथा आपकी दी हुई संपत्ति और बैंक बैलेंस केवल नष्ट होने के लिए आप दे रहे हैं जो परिश्रम पूर्वक आपने कमाया है, यदि आपने संस्कार होने नहीं दिए। इसलिए एक काम तो ये, संस्कार जीते जी। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता और गुरु के ऋण से उऋण होना चाहिए। माता के ऋण से तो कोई उऋण हो नहीं सकता, और गुरु के ऋण से उस दिन उऋण हो जाता है जिस दिन शिष्य गुरु से योग्य हो जाता है। अर्थात आज मुझे कहते हैं कि आपके गुरु कौन थे, तो गुरु के नाम से मैं जाना जाता हूं, और वो दिन आए जिस दिन शिष्य के नाम से गुरु जाना चाहे कि ये गुरुजी उस शिष्य के गुरु हैं, तो गुरु के ऋण से भी समझिए मुक्त हो गए। और पितृ ऋण, माता के ऋण से तो ऋण कोई हो ही नहीं सकता, वो तो छोड़ दीजिए, बात चर्चा जरूरत, पर पिता के ऋण से प्रत्येक व्यक्ति ऋण हो सकता है। कैसे? जो व्यक्ति प्रत्येक, वो व्यक्ति जो अपने पिता के ऋण से ऋण होना चाहता है, अपनी संतान को उससे अधिक योग्य बना दे जितना उसके पिता ने उसे बनाया, जितना उस व्यक्ति को उसके पिता ने योग्य बनाया उससे अधिक योग्य यदि अपने संतान को बना दे तो अपने पिता के ऋण से ऋण हो गया, उसके पिता को महती प्रसन्नता होगी। संस्कार, संस्कृति का रक्षण कीजिए, संस्कृति से समझौता मत कीजिए। पाश्चात्य संस्कृति में केवल आकर्षण है, चकाचौंध है, क्षणिक शांति देती है किंतु आपकी जड़ों को काट देती है। मैं संस्कृति के रक्षण के लिए दो बातें आपसे कहना चाहता हूं, यदि इस जो लोग सुन रहे हैं उसमें आदरणीय देवी सम्मिलित हैं तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगती हूँ, निवेदन करना चाहता हूं। आप दो काम करिए, तीन काम मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस पर अमल करके 7 दिन देखिए, और यदि मेरी बात गलत है तो आप छोड़ दीजिए। पहली बात, टीवी पर न्यूज केवल एक बार सुनिए। आजकल पूरे दिन टीवी चलता है और नकारात्मकता परोसता है, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इनने कर दिया, उनने कर दिया, सरकार क्या कर रही है। एक दिन न्यूज, एक समय न्यूज सुनिए सिर्फ, और मैं आपको सुझाव ये दूंगा, सुबह नहीं शाम की न्यूज सुनिए। मैं शाम को सुनता हूं, सुबह नहीं सुनता। समाचार पत्र सुबह मत पढ़िए, शाम को पढ़िए। समाचार पत्र नकारात्मक के अतिरिक्त कुछ नहीं देता आपको। समाचार पत्र आ भी जाए सुबह तो उसे रख दीजिए, शाम को पढ़िए। एक समय था जब समाचार पत्र के साथ चाय पीने से चाय का स्वाद बढ़ जाता था, आज समाचार पढ़ते हुए चाय पीते हैं तो चाय का स्वाद बिगड़ जाता है, चाय खराब लगती है, अनुभव करके देख लीजिए। और तीसरी बात देवियों, ये सीरियल देखना टीवी के बंद कीजिए, टीवी के सीरियल मत देखिए, ये धीमा जहर है, धीमा जहर है। यदा कदा मैंने सीरियल देखे हैं, कभी महिलाएं देख रही होती हैं, सीरियल में हर महिला कोई ना कोई योजना बना रही होती है, सास बहू के विरुद्ध, बहू ननद के विरुद्ध, ननद अपनी माँ के विरुद्ध, सारी योजनाएं बना रहे होते हैं, और ये देखते देखते इनकी प्रस्तुति इतनी आकर्षक होती है कि हमारे मानस में बैठ जाता है। मैं एक परिवार को जानता हूं, वह सुखी परिवार है,
मैंने उसे पूछा, आपके परिवार में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसका सीक्रेट क्या है? तीन बहुएं उनकी, तीनों बहुएं बैठी थी वहां मेरे पास चर्चा करने के लिए। तो परिवार के मुखिया बोले कि तीनों सामने बैठी हैं, हमारे परिवार में एक भी बहू टीवी की सीरियल नहीं देखती, हमारे परिवार की सुख और शांति का रहस्य ये। आपको शायद विश्वास ना हो, पर कभी इस पर चिंतन करके देखिए और देखिए कि मेरी बात में यदि कोई सच्चाई है तो आप उसे मानिए। और एक अंतिम बात इसके बारे में, क्योंकि विषय एक अलग सी चर्चा का है, अपने घर में एक टीवी रखिए और टीवी होना चाहिए कॉमन सिटिंग प्लेस पर, कॉमन सिट आउट पर। रूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए। रूम में टीवी नहीं होगा तो पहली बात आप समय से सोएंगे, ये टीवी आपको रात को 12 और 1 बजे तक सोने नहीं देता। और रात को 10 बजे बाद जो कार्यक्रम आते हैं, ईश्वर बचाए, मैं तो बहुत भगवान का धन्यवाद देता हूँ, 9:30 बजे 10 बजे तो मैं आधा मुर्दा हो जाता हूँ, इतनी गहरी नींद में होता हूँ, मैं रात को टीवी देखते ही नहीं। आप अपने कमरे में टीवी मत रखिए। एक स्थान पर टीवी रखने का लाभ ये होगा कि उस टीवी पर केवल ऐसे कार्यक्रम देखे जाएंगे जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देख सकता है, और यदि पूरा परिवार एक साथ बैठ करके नहीं देख सकता तो कार्यक्रम टीवी पर देखा ही नहीं जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3-4 बातें संस्कृति के संबंध में मैंने कही है। और एक सकारात्मकता का सृजन कीजिए। देखिए, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एक मुझे एक व्यक्ति ने एक बार, मैंने पढ़ा कहीं, उसने कहा बड़ा प्रसन्न रहता है, तो उससे पूछा किसी ने, भाई आप दिन भर प्रसन्न रहते हो, इसका रहस्य क्या है? बोले, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूँ, आज दिन निकला है, आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि दिन भर उदास रहो, और एक विकल्प ये है कि दिन भर प्रसन्न रहो। मैं दूसरा विकल्प चुन लेता हूँ, पहले विकल्प को त्याग कर देता हूँ और मैं दिन भर प्रसन्न रहता हूँ। कितना सरल उपाय है, कितना सरल उपाय है। इसलिए जो आया है, एक आत्मविश्वास रखिए आप। हम कहते हैं हम तो ईश्वर की संतान है, कोई पिता अपने पुत्र का बुरा चाहता है क्या? और यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर हमारा बुरा करेगा क्या? हरगिज नहीं करेगा। ईश्वर हमारा बुरा करने की सोच भी नहीं सकता, पर कभी कभी ईश्वर हमें सबक सिखाना चाहता है। हमने प्रकृति के साथ बहुत क्रूरता की है। मैं इन दिनों में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देखता हूं, कभी आपने कल्पना की है कि चाइना में जो मांसाहार होता है वो कैसे होता है? जिनने देखा है उनके लिए ठीक है, जिनने नहीं देखा उनके लिए झड़क देना चाहता हूं, जिंदा जानवर खाते हैं। कुछ तो मांसाहारी ऐसे होते हैं जो जानवर की हत्या करके, कत्ल करके, कसाई खाने में या जैसी भी वो खाते हैं, ये लोग जिंदा जानवर खाते हैं। चाइना में बंदर है, उसको पिंजरे में बंद कर रखा है, एक आया उसे बंदर की टांग खाना है, उसने जिंदा बंदर की टांग काटी और ले गया। एक को पूंछ खाना है, उसने पूंछ काटी वो ले गया। एक को उसका भेजा खाना है तो जिंदा बंदर का भेजा तोड़ा, उसने उसे भेजा निकाला वो ले गया। जिंदा जानवर किस तरह खाते हैं? जितना सी फूड होता है, केकड़े, मछली और अन्य, इनको बेसन में लपेट करके उबलते हुए तेल में डाल देते हैं जिंदा को, और उसे पकौड़े की तरह खा जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इतना विभस्त चित्र है दर्शन। चीन का आदमी हर उस चीज को खाता है जिसके हाथ और पैर होते हैं, सिवाय टेबल और कुर्सी के। एवरीथिंग विच हैज लेग्स एंड हैंड्स इज ईटन इन चाइना एक्सेप्टिंग द टेबल एंड चेयर। हर चीज खा जाते हैं। प्रकृति के साथ इतनी क्रूरता करोगे तो प्रकृति कब तक सहेगी? और चाइना के लोगों ने जानवर, उनमें भी जीव होता है, उसके साथ ज्यादती की है, और हम लोगों ने पेड़ पौधों से ज्यादती की है। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, मुझे विदित है कुछ प्रश्न उत्तर के लिए भी कुछ समय देना है। तो मेरा आपसे आग्रह यह है कि संस्कार का पोषण कीजिए, संस्कृति का रक्षण कीजिए, सकारात्मकता का सृजन कीजिए, मांसाहार
का परित्याग कीजिए, अगली जनरेशन में कुछ रुचि पैदा हो रही है, उन्हें रोकिए, मांसाहार नहीं करें, और हमारी जो जीवन पद्धति है उसके लाभ उन्हें दर्शाइए, उसको अपनाएं, हमारे पुरातन साहित्य का अध्ययन करें। आप पुरातन साहित्य बीच का समय था, मिलता नहीं था, पर सौभाग्य से आज बहुत सुंदर साहित्य छप रहा है, प्रकाशित हो रहा है, सहज उपलब्ध है, आप उसे पढ़िए, आपको आनंद आएगा। जितनी गहराई में आप जाना चाहें जाइए, रहस्य है, एक्साइटमेंट है हमारे साहित्य में, खोज है। हमारे उपनिषदों में जितना ज्ञान है विश्व में कहीं नहीं है, उन्हें पढ़िए, हमारा अपना साहित्य है, उसे पढ़िए। तो इस प्रकार से हम एक सकारात्मकता का सृजन कर सकेंगे और संस्कृतियों संस्कार को सुरक्षित रख सकेंगे। और अब अंतिम बात, कोरोना के संदर्भ में 3-4 बिंदु केवल मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे पास इस समस्या का समाधान नहीं है, इंडिविजुअल के पास, परंतु हम समाधान तो नहीं कर सकते, पर समाधान में योगदान दे सकते हैं। हमें जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, यदि उसकी सदाशयता के प्रति हम आश्वस्त हैं, तो उसे भरपूर समर्थन करना चाहिए, मनसा वाचा करना। एक बात। दूसरी बात, आलोचना से बचें। आप देखेंगे 2-3 तथाकथित नेता ऐसे हैं, केवल आलोचना करते हैं, केवल आलोचना। उनसे पूछिए, भाई साहब, आप भी इस देश में रहते हैं, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिवाय आलोचना करने के। दो बात। तीसरी बात, अपना आत्मविश्वास जागृत करें और एक परम सत्ता के प्रति विश्वास रखें, जिसने समस्या पैदा की है वो समाधान भी करेगा। हर समस्या एक समाधान भी अपने साथ ही लेकर आती है, पर इससे हमको सबक सीख लेना चाहिए। देखिए, कितनी बड़ी विपदाओं से हम निकल चुके हैं। सार्स की बीमारी आई, इबोला आया, HIV एड्स आया, सुनामी आई। आज हमको याद भी है क्या हुआ था तब। प्लेग आया था, निकल गया। वर्ल्ड वार आई थी, निकल गई, भूल जाते हैं। वैश्विक विपदाएं आती हैं और निकल जाती हैं, पर हमारे गलती केवल एक है, हम उससे सबक नहीं सीखते। पोस्ट कोरोना द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम एज इट हैज बीन। ये दुनिया बदल जाएगी, दुनिया की जीवन पद्धति बदल जाएगी, देशों के व्यक्तियों के आपस के संबंध बदल जाएंगे, सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक समस्याओं का स्वरूप बदल जाएगा। और इस सब के समाधान के लिए हमें चिंतन करना चाहिए, आज की परिस्थितियों से सबक सीखकर आने वाले समय का मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और ये जो समय मिला है, इस समय का हमें इसी के लिए उपयोग करना चाहिए। मेरे यही विचार हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे मन में जो विचार आते रहते हैं उन्हें आपके साथ साझा करने का मुझे अवसर मिला। प्रश्नों के रूप में आपके सुझाव आएंगे, मैं स्वागत करूंगा, और उन प्रश्नों से भी कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। मुझे भी अपना भला करना है, तो अपना भला करने के लिए आपके प्रश्नों के माध्यम से जो विचार आएंगे उनको मैं ग्रहण करूंगा और प्रयास करूंगा कि आज जो मैं हूं आने वाले समय में उससे बेहतर बन सकूं। आपने बहुत विनम्र शब्दों का मेरे लिए प्रयोग किया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति कोई अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता यदि ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद और मित्रों की शुभकामनाएं ये उसके साथ नहीं है। आप में ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, ये मुझे विश्वास है। आप में जो बड़े हैं मैं उनका आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, और जो मेरे मित्र हैं उनकी शुभकामनाओं की आशा करता हूँ, और ये अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लाहौटी वैसव, आपने अपने इस उद्बोधन में हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं कि
जहां हम अपने एक सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की बात करते हैं, उसे हम अध्यात्म की ओर भी कैसे लेके जा सकते हैं, और आपने कुछ सुंदर शब्दों का यूज करते हुए भाषा, भूषा, भोजन, भजन भाव या संस्कार, संस्कृति और सकारात्मकता, इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपने जो हमें आज गूढ़ बातें बताई हैं, वो शायद हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। मैं आपकी आज्ञा के साथ आपसे कुछ टिप्स आपसे लेना चाहूंगा। अवश्य। जैसा मैं मुझे याद है कि आपका पूरा परिवार प्रोफेशनल कार्य में संलग्न है, चाहे वो आपके सुपुत्र हो, आपके भाई हो, आपके सभी परिवारजन प्रोफेशनल कार्य में संलग्न है, तो आप किस तरह से आपने देश के सर्वोच्च पद पर विभूषित होकर लेकिन अपने मारवाड़ी पने को आपने तब भी जिंदा रखा है, इसका हमें क्या मंत्र है तो मंत्र दीजिए। मैं आपको मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान बुद्ध भ्रमण के लिए निकले, मार्ग में देखा किसी ने फूल का पौधा था उखाड़ करके पटक दिया था, होगा कोई बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं या कुछ जो रहा होगा, उसको उन्होंने देखा और चले गए। अब वो पौधा सूख जाएगा, उसे उखाड़ कर फेंक दिया था। एक महीने बाद जब वहीं से लौटे तो उनके एक शिष्य ने देखा वो पौधा हरा भरा था और उसमें फूल आ रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि खींचकर पटक दिया गया पौधा, इसमें फिर से फूल आ रहे हैं। भगवान से उसने पूछा, भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध ने कहा गौर से देखो, उस पौधे ने जमीन पर लेटे लेटे अपनी जड़ें बढ़ा करके जमीन से जोड़ ली थी, उसे पोषण मिलने लगा था और वो फिर हरा भरा हो गया और उसमें पुष्प आ गए। सारांश यह है कि व्यक्ति चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी जड़ें जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, जिस दिन मैं उनको भूल जाऊंगा, मेरा कद छोटा हो जाएगा। इसलिए मेरा मेरे मित्रों से यह आग्रह है कि ईश्वर की कृपा से जब आप उठते हैं तो इतने ऊंचे मत उठिए कि जमीन से आपके पैर ऊपर उठ जाएं। इसलिए मैं जमीन पर टिका रहा, और इसे ही आप कह सकते हैं जो मेरा सीक्रेट है वो यही। धन्यवाद। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने अपने 81 साल के सफलतम जीवन काल में भारत को कई रूपों में बदलते हुए देखा है। आपने आजादी से पहले का भारत भी देखा है, आपने आजादी के बाद का भारत भी देखा है, और आज आपने आज ये आधुनिक भारत भी देखा है। मैं चाहूंगा कि आपको इस पूरे समय में जिस बात ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो आपको, वो चाहेंगे कि आप हमें बताएं ताकि हम उस बात को जान पाए और अपने जीवन में उसको धारण कर पाए। मैंने जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया है वो ये है, हर आदमी जो नहीं है वो बनना चाहता है, और जो नहीं है वो दिखना और दिखाना चाहता है। अपनी ओरिजिनलिटी से हर आदमी दूर जा रहा है। मुझे जिस बात ने इंस्पायर किया और जिन लोगों ने इंस्पायर किया है, ये वे लोग हैं जो प्रारंभ से अंत तक वही बने रहे। आवाज थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा। लाउटी साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए बताइए। मेरा तो वीडियो चल रहा है, म्यूट भी नहीं है। ठीक है कपिल, ओके, चलिए। नहीं सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, प्लीज। नहीं नहीं, आवाज सही आ रही है वैसे। ठीक है, ओके, ठीक है दिनेश जी। हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम अपना जो उत्तरदायित्व ईश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा करें, बस। एक डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, उज्जैन के बहुत बड़े कवि हुए हैं, आपने उसका नाम सुना होगा। उन्होंने एक जिस समय भारत और पाक युद्ध हुआ तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। उन्हें लिखा, आज जबकि देश सारा लाम पर है, युद्ध पर है, आज जबकि देश सारा लाम पर है, जो जहां है वो वहां बस काम पर है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा काम यह है कि हमारा अपना काम हम ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरा करते रहें, और जो व्यक्ति ये करता है वो देश का सच्चा सेवक है। आप किस स्थान पे हैं, क्या कर रहे हैं? आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं? आप अपने आसपास नजर डाल लीजिए,
जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से कर रहा है वो देश की सेवा कर रहा है, और जो व्यक्ति अपने साथ ही बेईमानी कर रहा है वो इस देश की सेवा नहीं कर रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक बात ये और पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी अपने बातों में भी बताया कि भारत जो है हमारा देश वो संप्रभुता, सद्भाव और सर्वधर्म को मानने वाला लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई ऐसे मौके पर देखा गया है कि कुछ लोग समाजवाद की आड़ में राष्ट्रवाद को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में क्या हमें कुछ कठिन कानून और नहीं बनाने चाहिए, और इस व्यवस्था में एज अ सामाजिक व्यक्तित्व या एक सामाजिक संगठन के रूप में हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में कृपया हमें केवल दो बातें करना चाहूंगा, सिर्फ दो बातें। पहली बात, मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि प्रजातंत्र में राष्ट्र धर्म से भी ऊपर होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जीव हो, पंजाबी हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सब अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हम सब, हमारे प्रत्येक के धर्म से ऊपर एक धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। और यदि हमारा धर्म राष्ट्र धर्म का पालन करने में अवरोध उत्पन्न करता है तो हमें अपना धर्म छोड़ देना चाहिए और राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमारा राष्ट्र नहीं बचेगा, और हमारा राष्ट्र नहीं बचेगा तो हमारा धर्म कहां बचेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म जो मैंने बात कही आपसे, उसकी एक विशेषता ये है, परेशानी तब होती है जब आदमी धर्म का विस्तार करने की सोचता है। सनातन धर्म ने कभी भी विस्तार करने का प्रयास नहीं किया कि हमारा धर्म और फैल जाए और फैल जाए। क्यों नहीं किया? जिस धर्म की जड़ें मजबूत होती हैं, जो धर्म एक हरे भरे फूल और फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, उसकी तरफ लोग खुद ही आकर्षित होते हैं। उसे किसी को विवश करके अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु कुछ धर्म हैं जो विस्तारवादी नीति का पालन करते हैं, और ऐसे धर्म कभी कभी विवाद का कारण बनते हैं। इसलिए जहां तक धर्म की बात है, हमारा राष्ट्रधर्म सबसे ऊपर है। अब रही बात सेक्युलरिज्म की, हमारा दुर्भाग्य, मैं फिर कहूंगा, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, संविधान का विद्यार्थी हूं, सेक्युलरिज्म का जितना गलत अर्थ हमारे देश में लगाया गया है और हमारे देश ने सेक्युलरिज्म से जितना अन्याय किया है, उतना किसी देश ने, किसी नीति ने, किसी सिद्धांत ने नहीं किया। जो बड़े बड़े लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उनसे जरा पूछिए कि सेक्युलरिज्म के माने क्या हैं, उन्हें पता ही नहीं। सेक्युलरिज्म का अर्थ है सर्वधर्म संभाव। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे मेरे धर्म का पालन करने में रुकावट पैदा मत कीजिए। और विपरीत, आप अपने धर्म का पालन करते हैं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपके धर्म के पालन करने में कोई अवरोध रुकावट पैदा नहीं करूंगा। मैं भी आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप अपने धर्म को छोड़िए, मेरे धर्म का पालन। सर्वधर्म संभाव, यही सेक्युलरिज्म है, परंतु इसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं और उसका जो परिणाम हो रहा है वो उनको देखने मिलता है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपने एक और सवाल के साथ में, उसके बाद में जो हमारे साथ में हमारे सब लोग देश विदेश से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनके सवाल लेना चाहूंगा। हमारे बहुत से मन साथी और उनके परिवार के युवा सदस्य आज जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें से कुछ अपने आप को एक सफल न्यायविद के रूप में देखना चाहते हैं, सफल न्यायविद के रूप में, न्यायविद के रूप में देखना चाहते हैं। उन लोगों के लिए, उन सब के लिए और हम सभी के लिए हमें सफलता का एक मूल मंत्र आप दीजिए। देखिए, आप न्याय के रास्ते चलना चाहते हैं, न्यायविद होना चाहते हैं, न्याय शास्त्र का अध्ययन कीजिए,
आप जिस विषय में पारंगत होना चाहते हैं उस विषय का अध्ययन कीजिए। कोई कहे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेडिकल साइंस पढ़िए। कोई कहे कि मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ तो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर पढ़िए। यदि न्याय शास्त्र में दखल बनाना चाहते हैं, न्याय के क्षेत्र में न्यायविद होना चाहते हैं तो न्याय शास्त्र का अध्ययन कीजिए। देखिए जूरिस्ट का अर्थ वकील होना या जज होना नहीं है। जूरिस्ट होने का अर्थ यह है कि उसे न्याय शास्त्र के सिद्धांतों का संपूर्ण ज्ञान है, वो न्यायविद है। वो चाहे वकील हो, न्यायाधीश हो या लेखक हो, पुस्तक लिखता हो, वो न्यायविद है। इसी जिसे न्यायविद होने की आकांक्षा मन में है उसे न्याय शास्त्र विधि शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और बहुत सुंदर पुस्तकें हैं न्याय शास्त्र विधि शास्त्र की, उनका गहराई से अध्ययन करे वो न्यायविद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वकालती करे या जज ही अपॉइंट हो। हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उससे पहले मैं अभी हम लोगों के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अमित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी शाह, आदरणीय ओम जी अग्रवाल, अनिल जी जाजोदिया, ललित जी गांधी, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं जो हमारे साथ हमारे बाकी जो साथीगण हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रेरणा भाऊवाला जी को। मैं जरा एक बात करूँ, आपके 5 बज रहे हैं, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है या है? नहीं, अगले हम 15 मिनट में हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बस एक मुझे टिप्पणी कर लेने दीजिए कि आप बहुत शीर्ष स्थान पर आते हैं, हमारे महानुभाव पधारे हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहीं से आए हैं, स्वागत है उनका। उनके लिए बहुत सुंदर शेर में उनको भेंट करना चाहता हूँ सभी को, प्रमोद जी शाह हैं, अमित जी अग्रवाल हैं, उन सबको। बज्म आप जानते हैं, बज्म महफिल, तो उर्दू के लफ्ज है एक दो, बज्म महफिल को कहते हैं ये जो हम लोग बैठे हैं, ये बज्म। तो उनसे मैं कहूंगा मैं तो बज्म सबसे पहले मौजूद होना था, तो मैं तो इस बज्म में सबसे पहले मौजूद होना था, ये दुनिया क्या कहेगी कि शमा परवानों के बाद आई। पूछे जी, मैं चाहूंगा प्रेरणा भाऊवाला जी से कृपया आए और अपना जो सवाल है वो रखें। प्रेरणा भाऊवाला, प्रेरणा प्रेरणा जी भाऊवाला, प्रेरणा जी सूरत, अच्छा चलिए प्रेरणा जी भाऊवाला। अच्छा, नमस्ते रमेश भैया। नमस्कार, आपने बहुत ही सुंदर और सकारात्मक सोच से हमको अवगत कराया। मेरा इस लिंक से हटके क्वेश्चन था कि जो लॉकडाउन पीरियड में लघु उद्योग हैं, उनके कर्मचारियों को हमको जो सैलरी देनी रहेगी उसके बारे में अपना कानूनी दायित्व क्या होगा, उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण। देखिए मैं धन्यवाद पूछा, ये प्रश्न एक नहीं अनेक लोगों के मन में है, और आपने जो प्रश्न पूछा है ये आपके अकेले का नहीं, अनेक लोगों का है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आप अपने श्रमिकों को जो वेतन देती हैं या जो उनको वेजेस दे रही हैं, वो आपके और उनके मध्य अनुबंध क्या है उस पर निर्भर करता है। यदि आपका उनसे अनुबंध है तो आपको देना पड़ेगा, यदि आपका अनुबंध नहीं है तो आप देने के लिए बाध्य नहीं है। एक दूसरा, यदि वो डेली वेजर हैं, प्रतिदिन का वेतन पाते हैं, तो जिस दिन से काम बंद, वेतन बंद, मजदूरी बंद, ये दूसरा। जैसे कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको नौकरी से हटाने के लिए 3 महीने 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। जब तक नहीं दी तो आप उनकी वेतन देने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार आप श्रमिक, यदि उन कानून का संरक्षण प्राप्त है
तो जब तक उन्हें संरक्षण प्राप्त है आप उन्हें हटा नहीं सकती, उन्हें वेतन देना पड़ेगा। परंतु इस सबसे ऊपर की एक बात मैं कहना चाहता हूं कि असाधारण परिस्थितियों में हमें असाधारण निर्णय लेना पड़ते हैं। यदि आप श्रमिकों का वेतन देने के लिए बाध्य नहीं है, तब भी मेरा आग्रह यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी विनय पर आप ध्यान दीजिए। ये लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, और यदि उनको मजदूरी नहीं मिली तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा। तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व ये है कि यदि पूरा नहीं तो आधा से ही, पौना से ही, पर उनको वेतन देते रहिए। ये कोरोना ज्यादा समय चलने वाला नहीं है, 8 दिन 15 दिन के बाद सामान्य स्थिति बनेगी और ये श्रमिक आजीवन आपका एहसान नहीं भूलेगा। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका सहारा मत हटाइए, और आपका कानूनी उत्तरदायित्व नहीं भी है तब भी आप उसे पूरा, आधा, 75% वेतन मजदूरी उसकी देते रहिए। ये मेरा आपसे आग्रह है। अगला प्रश्न पूछेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्मिता लोहिया जी को। स्मिता लोहिया जी अपना प्रश्न आपसे पूछना चाहती हैं। बोलिए स्मिता जी। जी राम राम भैया। राम राम जी। जी बहुत सुंदर आपने जो संस्कृति पे हम लोगों को बताया है कि आज हमारी संस्कृति जैसी रहती है हमारे बच्चों के आचरण, उनके व्यवहार होने चाहिए। तो मैंने पहली बार आपको सुना और बहुत अच्छा लगा। और मेरा प्रश्न यही है आपसे कि इस लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों को देखा है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना क्या सुझाव देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला प्रश्न तो मैं आपके प्रश्न पर आऊं, इससे पहले मैं कहूंगा आप एक महिला हैं, और जैसा मैं दर्शन आपका कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि आप एक माता भी हैं। मैं आपके माध्यम से इस देश की माताओं से और मारवाड़ी समाज की माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति का संरक्षण यदि कोई कर सकता है तो केवल माताएं कर सकती हैं। अभी मैं साध्वी ऋतुराज जी को सुन रहा था, एक माता एक ही बच्चा, आजकल दो बच्चे होते हैं बस, एक या दो, बस एक बेटा, वो बेटा चौथी क्लास में पढ़ता है, आधुनिक माता है। बेटा स्कूल से आया, उससे पूछती है, ऋतुराज जी ने सुनाया, बेटे से पूछती है क्यों बेटा तुमने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं, आप क्या आशा करती हैं इस बच्चे से? इसलिए संस्कृति का सृजन, पोषण और रक्षण, इन तीनों की जिम्मेदारी माताओं पर है, और इस पर माताओं को चिंतन करना चाहिए। मैं एक माता हूं, मुझे क्षमा करें, यदि किसी परिवार में बच्चों में संस्कार नहीं है और या कुसंस्कार हैं तो मैं कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी पहली उनकी माता की और दूसरी उनके पिता की है। एक बात। दूसरा, आपने क्या क्या प्रश्न किया आपने मुझसे कि डिप्रेशन इस समय लोगों, क्योंकि देखिए डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का समाधान तीसरी बात में जो मैंने आपसे कहा, आपका वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपका यदि है आप डिप्रेशन नहीं जाएंगे। जब हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं अब मैं क्या करूं, हम डिप्रेशन चले जाते हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। जिस दिन हम ये कर सोच लेंगे कि मैं इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार थोड़ी हूं, जिम्मेदार तो वो है जिसका सहारा मैंने ले रखा है। एक रामचरितमानस की पंक्ति है, तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ राखूं विश्वास, और कबहूं बिगरत ना सुने रामचंद्र के दास। यदि ईश्वर के प्रति आपका पुत्र भाव है कि मैं तेरी संतान हूं, दासत्व का भाव है कि तेरी शरण में हूं, मैंने अब आपको तुझे समर्पित कर दिया है, जैसे मुझे रखना चाहे वैसे रख। जिस दिन हमारा चिंतन इस प्रकार से आध्यात्मिक हो जाएगा हम में से कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा।
और दूसरा फिर विज्ञान का सहारा है, फिर काउंसलिंग की जरूरत है। मनोचिकित्सक होते हैं जो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको परामर्श देंगे और डिप्रेशन से उन्हें बचाएंगे। कुछ इसकी औषधियां भी आती हैं, पर वो मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि डिप्रेशन की औषधियां आती हैं वो असर करने में समय लेती हैं। जैसे आज की दवाई शुरू करेंगे तो 10 या 15 दिन में उसका असर आता है, जिसको कहते हैं फुल मून इफेक्ट। फुल मून इफेक्ट, तो औषधियां भी ले सकते हैं पर उसका असर आने में समय लगता है। परामर्श ले सकते हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान का सहारा लीजिए, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच हमारे दिल्ली के साथी सीए श्रीराम जी अटल हैं। श्रीराम जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। श्रीराम अटल नमस्कार लाउटी साहब। नमस्कार श्रीराम जी। आज का सवाल मेरे फादर जो कि मेरे साथ मौजूद है, गौरी शंकर जी अटल जो कि पत्रकार रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अवश्य। माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी, आज हर सरकारी प्रशासनिक काम की जो संसद कानून पारित कर देती है उसके भी न्यायालय में रिट लगाते हैं, और अब तो ये हालत ये हो गया कि मतलब कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती बल्कि न्यायपालिका के अधीनस्थ रहकर ही काम कर सकेगी, ऐसा देश में खतरा पैदा हो गया है। और न्यायपालिका किन मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकती है, किन में नहीं ले सकती, इसमें भी असमंजस है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के पोस्टर हटाने पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, आतंकवादियों के ये मैं आपको कोर्ट खोल देते हैं, जबकि आज जो डॉक्टरों पर नर्सिंग स्टाफ पर हमला करते हैं इन लोगों पर न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेते। देखिए ये उदाहरण है जो मूल समस्या आपकी आपने शुरू में कह दी। एक पत्रकार के नाते आपने जो प्रश्न किया है, हम सिद्धांत की चर्चा करें क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। देखिए हमारे संविधान के तीन स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीन स्तंभ हैं। और संविधान में इन तीनों की सीमा रेखाएं खींची गई हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस ये शब्द एक होता है, अर्थात वो सिद्धांत कि जिसमें प्रत्येक अपना काम करे और एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण न करे, परंतु यदि कोई अपनी सीमा के बाहर जाए तो उसे बाहर जाने से रोक दे। और चौथा स्तंभ है प्रेस, आप पत्रकार रहे हैं, ये चौथा स्तंभ संविधान में नहीं लिखा है, स्वयं उत्पन्न हुआ है। इन चार स्तंभों पर प्रजातंत्र टिका हुआ है। मैं किसी उदाहरण विशेष पर न जाते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो और चाहे विधायिका हो, पहली बात तो प्रत्येक को अपना काम करना चाहिए, और यदि वो अपना काम नहीं कर सकता तो उसे अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। जो न्यायाधीश न्यायासन पर बैठकर न्याय का संपादन नहीं कर सकता उसे अपना आसन छोड़ देना चाहिए। यही बात प्रत्येक व्यक्ति को लगती है। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रीम पुलिस एक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए, नहीं कर सकते तो अपना पद छोड़ देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हर एक की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, उसे अपनी सीमा नहीं लांघना चाहिए। अच्छा अच्छा, चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो, उसे अपनी सीमा नहीं लांघना चाहिए। दुर्भाग्य से आज के समय में जो जहां हैं वो अपना काम करने से परहेज कर रहा है, और हर एक व्यक्ति अपनी सीमा को लांघ रहा है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। आप जैसे चिंतन करने वाले लोग, पत्रकार लोग, आज आप देखिए मीडिया क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा नकारात्मकता फैलाने के लिए मीडिया जिम्मेदार है। कोई अखबार उठा लीजिए, सकारात्मकता आपको मिलेगी नहीं, तो मीडिया भी अपना काम नहीं कर रहा, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। इसलिए समय ऐसा है, और इसका समाधान मिलेगा वहीं, जिस दिन हम
स्पिरिचुअली स्ट्रोंग हो जाएंगे और हमें अपने कर्तव्य का भान आध्यात्मिकता के माध्यम से हो जाएगा। उस दिन हर एक व्यक्ति अपना काम करेगा और अपनी सीमा के बाहर नहीं जाएगा और जो समस्याएं आप संकेत दे रहे हैं वो समस्याएं नहीं होंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच महाराष्ट्र से संजय मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संजय मंत्री जी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। संजय जी आपसे कुछ बात करना है। बोलिए संजय जी। संजय जी आपकी हेलो, मुझे लग रहा है किसी मुझे लग रहा है कि इसके कारण से हम संजय जी को नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे बीच अशोक सोनी जी उपस्थित हैं। अशोक जी आपसे अशोक भी आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। कुछ अपने जवाब दिया अशोक जी नोएडा से क्या अशोक जी कुछ बात करेंगे आपसे। अच्छा अशोक भी नोएडा अशोक जी सोनी नोएडा से हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छा मतलब आप पूछ रहे हैं अन्यथा वैसे ही पूछ सकते हैं। जी अशोक भैया यही अशोक जी अशोक भी आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपकी शक्ल भी हम देख पाएंगे। हमारे बीच में मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बीच में केदार गुप्ता जी है राजस्थान से। केदार जी माननीय लाउडी से अपनी बात करना चाहते हैं। केदार जी माननीय लाउडी जी को मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा और ये आज सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे वरिष्ठ और पूजनीय लोगों के बीच में हम सब लोग बैठे हुए हैं। माननीय मेरी एक टीस है कि जब 1947 में ये देश आजाद हुआ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, 47 में हमारा देश आजाद हुआ लेकिन हमारे देश की संस्कृति जो है वो हजारों वर्ष पुरानी है और हमारे देश की जो संस्कृति रही वो सर्व आपकी आवाज हेलो हाँ जी हाँ आप कपिल जी मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज। सर्वजन हिताय सर्वजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धांतर हमारे देश की संस्कृति टिकी हुई थी। कुछ राजनीतिक कारण से इसको शुरुआत में बदला गया और उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा गया और अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो पिछले लगभग 70 सालों के अंदर यात्रा करते करते हम लोग अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की स्थिति पर आ चुके हैं। इसके विरुद्ध या इसके अतिरिक्त हम कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो कभी कभी वो आवाज हिंसात्मक हो जाती है। ये देश राम का कृष्ण का गौतम बुद्ध का गुरु नानक का देश रहा है। इस देश में हिंसा तो कतई ना बर्दाश्त की जानी चाहिए ना होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन? इसका उत्तर केवल है सकारात्मक सोच। ये बिल्कुल सही बात है कहना। हम लोगों ने कितना त्याग करके आजादी पाई है पर हम में से कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता का इतिहास करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को स्वतंत्रता का इतिहास करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग किया। जब वो इसकी कीमत जानेंगे तो इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। अब जो बात आपने कही वो ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि बहुत व्यक्ति थी उनकी। उन्होंने 1 जनवरी व्यवस्था और इसकी पृष्ठभूमि पर इसके बाद हर सरकार ने इसका समय बढ़ाते बढ़ाते 70-80 साल बिताए। हमको जनमत का जागरण करना होगा और जो हमारे प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं
हमें ये चुनना पड़ेगा कि जो लोग ये जो अल्पमत और बहुमत वाली बात है समाज में, ये लोगों को तोड़ने और बांटने वाली बात है। हम लोगों ने देखिए कितने फिरके हम लोगों ने बना लिए कि देखिए वो उसका ये एक शेर है, लखनऊ के शायर हुए हैं, बड़े मशहूर हैं वो, उन्हें लिखा है कि इतने टुकड़ों में बट गया हूं मैं, इतने टुकड़ों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने टुकड़ों में हमने बांट लिया अपने आप को कि लगता ही नहीं हम हैं क्या। तो ये सामाजिक चिंतन और विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसमें हमारे धर्म गुरु जो भी हैं, हमारे उपदेशक, हमारे विद्वान चिंतक विचारक, उन सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें इस देश को एकता के सूत्र में बांधना है। हमारा आज है कि हमारा वोट लेकर के जो लोग जीतते हैं वही लोग हमको बांटते हैं। हमारा चयन जिस समय हम मतदान करें ये होना चाहिए कि वो कौन है जो हमारे देश को एक सूत्र में बांधेगा, हमारा मत हम उसी को देंगे। और प्रचार प्रसार करना चाहिए इस विचारधारा का, जहां अवसर मिले वहां प्रचार प्रसार करना चाहिए इस बात का। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय प्रमोद भाई जी, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहते हैं। नमस्कार जी। आपका वक्तव्य सुनकर यूं लग रहा था जैसे कानों में रस टपक रहा हो। बहुत धन्यवाद इतना अच्छे वक्तव्य के लिए आपको। मेरा प्रश्न ये था कि इमरजेंसी के दौरान 3 जनवरी 1977 को हमारा प्रियम्बुल अमेंड कर दिया गया, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, उसमें सोवर्न के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ दिया गया। पहले बात तो क्या यह नैतिक रूप से संवैधानिक था क्या? क्या प्रियम्बुल इस तरह बदला क्या नैतिकता के खिलाफ नहीं था? दूसरा, इसको बदलने से हमारे देश का नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? और दूसरी बात ये, जब राष्ट्र की बात करते हैं तो 3 शब्द हम सुनते हैं, नेशन, कंट्री और स्टेट, इन तीनों में क्या फर्क है? धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये कि संविधान के प्रीएम्बल में जो संशोधन किया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि संसद को संशोधन करने का अधिकार है यदि संशोधन की जो प्रक्रिया उसका पालन किया गया। वो पालन किया गया। वो समय जब ही संशोधन हुआ तो कदाचित श्रीमती गांधी का समय था, उनकी विचारधारा से हम सभी लोग परिचित हैं। उस समय हमारा देश थोड़ा कम्युनिज्म के प्रभाव में था, तो कम्युनिज्म तो नहीं हुआ पर सोशलिज्म के नाम पर वो किया गया। संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये हमारे संविधान में वैसे ही मौजूद हैं, पर प्रीएम्बल में संशोधन करके वो एक संकेत संदेश देना चाहते थे जिसको देने में वो सफल हुए। अब ज्यादा जो परेशानी है संशोधन से नहीं है, उस संशोधन की जो व्याख्या की जा रही है उसके कारण परेशानी है। जो विचारक हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र ने प्रश्न पूछा था कि हम न्यायविद कैसे बन सकते हैं, तो न्यायविदों को चाहिए कि संबंध में न्यायाधीशों का मार्गदर्शन करें कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का वो अर्थ नहीं है जो वो ले रहे हैं, बल्कि अर्थ वो है जो वो बताएंगे और जो हमें समझना चाहिए। जो न्याय शास्त्र का अध्ययन करके इस विषय में मार्गदर्शन कर सकता है वो इस देश की बहुत बड़ी सेवा करेगा। एक दूसरी बात, आपने अंतिम बात क्या पूछी थी आपने अपने, एक तो आपने ये संशोधन की बात कही थी, नेशन, कंट्री और स्टेट में फर्क। स्टेट, ये देखिए, कंट्री और स्टेट का अंतर तो प्रकट है। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केंद्र में है, पूरा सारी स्टेट्स को प्रांतों को मिलाकर के जो है वो देश है, और फिर उस देश के अंदर अलग अलग प्रांत हैं जो स्टेट्स हैं। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ विषय हैं, 3 सूचियां हमारे संविधान में हैं, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और एक वो लिस्ट जिसमें कॉमन है, तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें केवल प्रांतीय कानून बना सकता है, और जो एक कॉमन लिस्ट है जनरल लिस्ट है उसमें जो दोनों को ही संविधान बनाने का अधिकार है अपनी अपनी सीमा में रहते हुए, उसके अपने सिद्धांत बताए गए हैं संविधान में। अब मुख्य बात जो है वो कंट्री और स्टेट की इतनी नहीं है जितनी कंट्री और नेशन की है, और इसे मैं चाहूंगा कि हमारा समाज इस अंतर को समझे। कंट्री उसे कहते हैं जिसकी सीमाएं होती हैं, वो भौगोलिक सीमाएं भी हो सकती हैं और मैन मेड अथवा कृत्रिम सीमाएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा देश है, जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में तीन ओर से सागर, ये नेचुरल सीमाएं हैं, इसके बीच में हमारा देश है। पाकिस्तान बना, कोई प्राकृतिक सीमा बीच में नहीं है, कांटों की बागड़ लगाई हुई है, ये कृत्रिम सीमा है। हमारे और बांग्लादेश के बीच ये कृत्रिम सीमा है, पर नेचुरल या मैन मेड सीमाएं जो बनाई जाती हैं उनसे जो परिभाषित होता है वो एक देश। अब राष्ट्र, राष्ट्र एक मानसिक चिंतन है, राष्ट्र नक्शे पर नहीं होता, देश नक्शे पर होता है, राष्ट्र मस्तिष्क में होता है, चिंतन में होता है, विचार में होता है, नागरिक राष्ट्र को सोचता है। एक मैंने बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी, उसमें उसने लिखा था कि राष्ट्र उसे कहते हैं जिसका एक निशान, एक प्रधान और एक भाषा। एक भाषा, एक प्रधान। अब हमारे यहाँ तो जब संविधान बनाने के बाद ऐसी व्यवस्था कर देगी कि हमारे यहाँ दो प्रधानमंत्री थे, एक कश्मीर का प्रधानमंत्री और एक भारत का प्रधानमंत्री। ये राष्ट्र प्रेम के, राष्ट्र के सिद्धांत के प्रतिकूल है ये, और इसका इलाज अब कर दिया गया है। 80 साल लग गए इसके इलाज करने में, एक गलती की थी। एक प्रधान, एक निशान, एक ध्वज होना चाहिए हमारा, एक झंडा, तिरंगा, वो राष्ट्र का प्रतीक है। अब कश्मीर का झंडा अलग और देश का झंडा अलग, ये स्थिति भी अब खत्म हुई है, तो दो हिस्से तो पूरे हो गए। अब एक भाषा, भाषा का अर्थ ये नहीं है हिंदी, गुजराती, मराठी, ये नहीं। सभी भाषाएं हमारे यहाँ इतनी समृद्ध हैं कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, परंतु भाषा के दो आशय हैं, दो अर्थ में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो भाषा का अर्थ है विचार। हम सब जो सोचें, हमारा सबका सोच एक प्रकार का होना चाहिए, और वो क्या कि हमारा राष्ट्र कैसे तरक्की करेगा। एक विचार, एक भाषा, एक स्वर में हम बोले। जब राष्ट्र की बात आए तो हम एक स्वर में बोले, तब तो वो हमारा राष्ट्र है, अन्यथा वो देश है। एक, और एक भाषा का अर्थ ये है हमारी एक भाषा जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हम हर स्टेट में अपनी भाषा बोलें, जैसे मारवाड़ी बोलते हैं हम घर में, बोले कोई मना नहीं है, अवश्य बोलिए, सुरक्षित रखिए, संपन्न करिए, उसका साहित्य समृद्ध करिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु जो भी वो सब करिए, परंतु फिर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि कोई जाए तो एक भाषा ऐसी होना चाहिए कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। ये स्थिति आने में भारत देश का नेतृत्व असफल रहा है, और इसीलिए अनेक विवादों के कारण यही है। एक बात कही गई है कि ये राष्ट्र के संदर्भ में आपने पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंजिल जुदा जुदा हैं, मकसद जुदा जुदा हैं। मंजिल भी अलग अलग हैं, इरादे भी अलग अलग हैं। मंजिल जुदा जुदा हैं, मकसद जुदा जुदा हैं, ये भीड़ तो है लेकिन कोई कारवां नहीं है।